देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों मुंबई में हैं। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर वो कलाकारों से मिल रहे हैं। कल वो अक्षय कुमार से मिले और आज लखनऊ कॉरपोरेशन के लिस्टिंग को लेकर स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे, लेकिन उनके फिल्म सिटी प्लान पर सियासी एक्शन शुरू हो चुका है। शिवसेना और एनसीपी का कहना है कि फिल्म सिटी को शिफ्ट करना आसान नहीं है और मुंबई से बॉलीवुड का दर्जा कोई छीन नहीं सकता। बीजेपी ने जवाब दिया है कि शिवसेना तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में है। तो इस वक्त अब फिल्म सिटी को लेकर सियासी एक्शन मुंबई में शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी लाने का, करोड़ों का उनका ये प्रोजेक्ट है। आवश्यकता के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप, फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर, यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें, केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। यह सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी, फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी, तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। लोकेशन आपके सामने यहां पे रखा है कि देश का सबसे अच्छा लोकेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है जेवर में, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है। यहां से दिल्ली आप आधे घंटे में जा सकते हैं, यहां से मथुरा वृंदावन आधे घंटे में आप जा सकते हैं, यहां से आगरा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे के तट पर स्थित ये भूभाग है, यमुना नदी के तट पर है और कृष्ण की मथुरा वृंदावन के सानिध्य में यह केंद्र आपको प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, क्योंकि इस फील्ड में न मैंने काम किया है न मेरी टीम ने काम किया है, हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का अनुभव बता सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है, क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए, इसके लिए आपके सुझाव। तो योगी आदित्यनाथ सुझाव की मांग कर रहे हैं।